नमस्कार किसान भाइयों, हमारी YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम जो है औषधीय खेती की जानकारी देने वाले हैं, जिसका नाम है सर्पगंधा। ये देखिए, ये है सर्पगंधा की खेती, और इसकी खेती जो है 8 से 10 वीसे में इसकी खेती हमने लगाई है, आप देख सकते हैं। और इसमें देखिए फूल बड़ी तेज़ी से आ रहा है, और इसमें जो है बीज भी बनने स्टार्ट हो गए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये सफ़ेद कलर के ये फूल देख रहे हैं आप, ये देखिए। और इसमें जो है बीज बहुत बहुत ज़्यादा आता है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये गुच्छा दिख रहे हैं, ये देखिए, ये पकने के बाद जो है काले कलर का हो जाता है, आप देखिए इस तरीके से, ये देखिए। इसकी खेती जो है, इसकी जो पहले पौध तैयार करनी पड़ती है, फिर इसकी जो है खेती लगाई जाती है। इसकी खेती जो है, इसका जो नर्सरी तैयार करी जाती है, अप्रैल मई में इसकी नर्सरी तैयार करी जाती है, और मई में इसकी गहरी जुताई करवा लें किसान भाइयों, और फिर खेत के लिए कुछ दिन के लिए इसे छोड़ दें, और उसमें जो है पहले गोबर का जो खाद डलवा लें बढ़िया करके, और फिर उसमें गहरी जुताई बढ़िया करके करवा के नक्के बनवा लें किसान भाइयों, और फिर इसके जो है पौधे लगाए जाते हैं किसान भाइयों। इसकी प्रति एकड़ में जो है पौधे हैं 25 से 30 हज़ार इसके प्लांट लगाए जाते हैं, और पौधे की दूरी एक फिट रखी जाती है किसान भाइयों। और आप देख सकते हैं इसमें, देखिए बहुत तेज़ी से बीज आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, ये देखिए इस तरीके से। इसका जो है नाम है रॉल्फिया सर्पेंटिना के नाम से जाना जाता है किसान भाइयों, भारतवर्ष में ये पौधा किसान भाइयों। और इसकी खेती जो है बहुत समय से भारतवर्ष में हो रही है, और कुछ किसान भाई इसकी खेती करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं किसान भाइयों। देखिए, ये इस तरीके से पकने के बाद बीज जो है इस तरीके से हो जाते हैं, और ये इस तरीके से काले कलर के बीज को ही छुटाना है किसान भाइयों। और ये देखिए इस तरीके से अंदर से निकलते हैं, ये देखिए ये बीज हैं, इनसे ही जो है नर्सरी तैयार करी जाती है किसान भाइयों, आप देख सकते हैं। इसका पौधे की बात करें तो पौधे मार्केट में जो है इसका पौधा 2 रुपये से लेकर 3 रुपये तक मार्केट में उपलब्ध है किसान भाइयों। अगर कोई भी किसान अगर इसका इच्छुक है खेती लगाने के, तो उसे जो है हम पौधे ही घर पर ही उपलब्ध करा सकते हैं। हमारे पास ट्रेन की भी सुविधा है, ट्रेन द्वारा जाइए है, ये दूर दूर तक इसके पौधे जाते हैं किसान भाइयों, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, बेंगलोर और कर्नाटक, हर जगह इसका पौधा जा सकता है किसान भाइयों। किसान भाइयों जो भी खेती के इच्छुक हैं वो खेती कर सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इसकी जड़ की बात करें तो प्रति एकड़ में इसकी जो जड़ है 8 से 10 क्विंटल जड़ निकल जाती है किसान भाइयों आराम से। और बीज की बात करें तो बीज जो है 50 से 60 किलो बीज निकल जाता है किसान भाइयों। अगर जड़ की बात करें तो जड़ का जो मार्केट में रेट रहता है 800 से 1000 रुपये प्रति किलो इसकी जड़ बिकती है किसान भाइयों। और बीज की बात करें तो बीज जो है ये 4000 से लेकर 5-6 हज़ार तक इसका बीज जो है बिकता ही बिकता है किसान भाइयों। और ऐसा भी माना जाता है इसका पौधा लगाने से जो सर्प रहते हैं ये इसके आसपास बिल्कुल नज़दीक नहीं दिखते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर, अगर आप गार्डन में भी इसका पौधा लगाते हैं तो भी बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए, इसे फुलवारी के समान रहता है इसका पौधा, देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से सांप बिच्छू काटने भी इसका उपचार किया जाता है किसान भाइयों। और ये बहुत सारी बीमारियों में इसकी जड़ का उपयोग होता है किसान भाइयों, जैसे कैंसर रोग है और बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं उसमें इसका यूज होती है इसकी जड़ किसान भाइयों। ये देख सकते हैं, ये इस तरीके से देखिए, ये पूरे खेत में जो है सर्पगंधा की खेती लगी हुई है। आपको पौधे की जो दूरी दिखा सकता हूँ मैं, आप देखिए इस तरीके से पौधा लगा हुआ है। ये देखिए, एक पौधा ये है और एक पौधा ये है। ये देखिए इसमें जो है कलियाँ निकल रही हैं, ये आप देख सकते हैं। और इससे सबसे बेस्ट खेती है, इसमें किसी में खेती में इतना अच्छा मुनाफा नहीं मिल पाएगा किसानों को, तो इस खेती में जो है अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाई हमारे। प्रति एकड़ से जो है 5 से 6 लाख आराम से कमा सकते हैं, बीज से भी इसकी कमाई हो सकती है और जड़ से भी इसकी कमाई होगी किसान भाइयों। पौधे की जो ऊंचाई रहती है 5-6 फीट इसकी पौधे की ऊंचाई रहती है किसान भाइयों। और इसकी जड़ की बात करें, अंदर इसकी जो जड़ है 3-4 फीट इसके अंदर जड़ निकलती है किसान भाइयों। और इसकी जो जड़ है ये इस तरीके की इतनी मोटी निकलती है, आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए इस तरीके की, ये आप देख सकते हैं, ये इतनी मोटी जड़ निकलती है किसान भाइयों। और आप देख सकते हैं ये खेती, देखिए इस तरीके से।
ये खेती लगी हुई है। आप देख सकते हैं भारी मात्रा में इसमें बीज आ गया है। ये देखिए इस तरीके के गुच्छे आते हैं, ये देखिए। इसमें अगर आप सूढ़ी लग रही है तो इसमें आप दवा मार दें। ये देखिए इस तरीके से ये पके नहीं हैं। इसकी खेती जो है जुलाई अगस्त में इसकी खेती लगाई जाती है, बारिश के टाइम में इसकी खेती लगाई जाती है, और इसकी जो है 18 महीने बाद यानी कि 1.5 साल बाद आपकी इसकी जड़ खोद कर निकाल सकते हैं और मार्केट में बेच सकते हैं किसान भाइयों। और अगर आप 2 साल बाद निकालते हैं उसका जड़ तो और ज़्यादा अच्छी जड़ मिलेगी, मोटापन जड़ में ज़्यादा मिलेगा किसान भाइयों। वैसे तो आप ये जो है 1.5 साल में इसकी जड़ निकाल सकते हैं किसान भाइयों। अगर आप 2 साल में आप इसकी जड़ निकालते हैं तो उसमें जो है जड़ का मोटापन अच्छा मिलेगा और उत्पादन भी और ज़्यादा मिलेगा किसान भाइयों। ये देखिए ये जो है फूली फूल आप देख सकते हैं, इसमें फूली फूल आ रहा है और बीज की मात्रा भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। आप देख सकते हैं एक पौधे पे देखिए इस तरीके से, ये देखिए बीज ही बीज हैं। आप देख सकते हैं कुछ बीज पक रहे हैं और कुछ बीज ये हले हरे होंगे, देखिए कच्चे हैं, देखिए इस तरीके से। किसान भाइयों हमारे वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। किसान भाइयों धन्यवाद।